جني. कहाँ जा रही है? वो भैया मैं कॉलेज। कमरे में जाओ। भैया मैं मैंने कमरे में जाओगे नहीं? प्लीज भैया। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। भैया आई एम सो सॉरी भैया। क्यों किया ऐसा गिन्नी? हाँ क्यों किया? तुझे मालूम है मुझे मुझे कितना बुरा लग रहा है इसमें। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं कि मेरी गिन्नी, मेरी अपनी बहन ने सब किया है। कैसे समझाऊं मैं खुद? आज तक किसी चीज के लिए मना किया तुझे? भरोसा किया ना तेरे ऊपर इसी दिन के लिए? क्यों तू ऐसे सबका भरोसा तोड़े? तू मेरी बेटी जैसी है, मेरे सामने बड़ी हुई है। तुझे अपना हाथ पकड़ के चलना सिखाया मैंने, बोलना खाना पीना सब कुछ मैंने सिखाया तुझे, अपनी अपनी गोदी में खिलाया मैंने तुझे। तुझे बता भी नहीं सकता मुझे मुझे कितना दुख हो रहा है। बड़े होने के बाद ऐसे ऐसे लड़खड़ाते हुए देख के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है गिन्नी, मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूँ, नहीं समझा सकता मैं तुझे। ऐसा काहे हो रघु भैया, गिन्नी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसा काहे कर दिया उसने? बेला अब इस बात को भूल जाओ, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अरे यो मैं समझना चाहता हूं काहे गलती की है गिन्नी ने। मैं बाप हूं उसका, मैं जानना चाहता हूं कर रहा तो कटे थी। बापू बेकार बात को मत बढ़ाओ प्लीज। बात को मैं कौन, तू और गिन्नी बढ़ा रहे। हम तो बेबी जी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं बापू तैयारियां करने की, अब ये शादी नहीं होगी। यो काहे कह रहा है तू? ऐसा काहे कर दिया करण जी ने? क्या इसलिए कि करण जी की मां रेणुका जी है? बात रेणुका जी की नहीं है बापू, बात बस इतनी सी है कि मैं शादी होने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे? हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं और अब एक बार फिर से बता रहे हैं। शादी किससे करनी है और किससे नहीं, ये सिर्फ हमारा फैसला है रघु, और हम ये फैसला कर चुके हैं रघु। हम करण से ही शादी करेंगे।